क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है ये 15 सेंटीमीटर है, मान लिया हमने ये, ठीक है। और ये जो यहां पे एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, या सेंटर पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। माइनर एंड मेजर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट ये वाला हो गया और मेजर सेगमेंट इसके बाद वाला जो एरिया कहलाएगा वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेंगे। तो दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। रेडियस आर इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 15 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ये दो चीज दिया हुआ है तो हम इसका सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इधर वाला कहलाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 और ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास है 60 और ये हो गया 360, पाई का वैल्यू लेना है हमें 3.14, तो ले लिया 3.14 और आर का वैल्यू हमारे पास है 15 इंटू ये हो गया 15। अब इसको काटेंगे, जीरो से जीरो, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स जा 36, ठीक है यहां तक हो गया। अब इसको काटते हैं तो ये जगह 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 ये भी हो गया। अब इसको 2 से इस वाले को काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो हमारे पास आ गया 1.57 मल्टीप्लाइड बाय में 15 मल्टीप्लाइड बाय में 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1.57 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट निकालना है हमें, दूसरा पार्ट एरिया ऑफ, एक्चुअली निकालने कह रहा था सेगमेंट, तो अभी हमने निकाला सेक्टर। तो सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो निकाल लेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकालने के लिए सबसे पहले इस ट्रायंगल को समझते हैं। ये 60 डिग्री है और ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी 60 है तो बचा रहा 120, 120 को डिवाइड करेंगे तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा और ये भी एंगल 60 हो जाएगा। जब तीनों एंगल बराबर होंगे तो तीनों साइड भी बराबर हो जाएगा, इट मीन्स ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जा रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा √3/4 और यहाँ पे हो जाता है साइड का स्क्वायर, है ना, साइड इंटू साइड। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जाएगा √3/4 और साइड का वैल्यू हमारे पास है 15 इंटू 15। तो अब यहाँ पे √3 का वैल्यू हमें लेने के लिए कह रहा था 1.73, ये हो जा रहा है 1.73 × 15 × 15/4, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करके अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.73 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 389.25/4। अब इसको डिवाइड कर देना है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा निकल के आ जा रहा है। तो अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे, 117.75 माइनस 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे
माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद आ जाए 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट निकल कर आ गया है ना, माइनर सेगमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब निकालना है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट जो यहां पे कह रहा था मेजर सेगमेंट है ना, मेजर सेगमेंट के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये माइनर सेगमेंट हमने निकाल रखा है, ये वाला पुट कर देंगे 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई का वैल्यू फिर से लेंगे 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय में 15 × 50 हो जाएगा मान 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 706.5 और माइनस 20.4375। अब इस वाले नंबर में से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। आप माइनस करके देख लेंगे तरीके से, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।